नमस्कार आदाब, मेरा नाम है मोहम्मद नसीम खान और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हेल्पलाइन। एक बहुत ही दुखद खबर आ रही है बॉलीवुड से, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से। संजय दत्त साहब को लंग कैंसर हो गया है। हम सबको पता है कि कुछ दिन पहले वो एडमिट हुए थे लीलावती अस्पताल में अपने इलाज के लिए। उन्हें लगा था कि कोरोना के लक्षण है और उसी सिलसिले में वो एडमिट हुए। उनकी एक रिपोर्ट आई, जो रिपोर्ट कोरोना के वजह से करी गई थी, उसमें नेगेटिव बताया गया उनको कोरोना नहीं है और महज 2 दिन बाद वो डिस्चार्ज हो गए, अपने घर पहुंच गए। एक बहुत अच्छी खबर थी। लेकिन आज 11 अगस्त को उन्होंने ट्वीट किया और उस ट्वीट के माध्यम से सबको एक पैगाम दिया कि मेडिकल ग्राउंड पे वो ब्रेक ले रहे हैं गैर जरूरी कामों से, अपने ऑफिशियल कामों से। उनका परिवार, उनके दोस्त उनके साथ खड़े हुए हैं। आगे वो लिखते हैं कि मैं चाहूंगा, अपने फैन से भी गुजारिश करूंगा कि किसी तरह के अंदाजे ना लगाए जाए, स्पेकुलेशन ना कही जाए। लेकिन इंडस्ट्री के बहुत ही बड़े दिग्गज कोमल लाहटा, एक फिल्म क्रिटिक और फिल्म जर्नलिस्ट है, उन्होंने ट्वीट करके इस बात को पुख्ता कर दिया है कि संजय दत्त साहब लंग कैंसर से पीड़ित है और स्टेज 3 है उनकी, और वो बहुत जल्द इलाज के लिए अमेरिका का भी रुख करने वाले हैं। हम सबको पता है कोरोना की वजह से जो माहौल है, जो आगमन और प्रस्थान रुका पड़ा है, शायद कुछ सटल हो, उसके बाद संजय दत्त साहब अपने इलाज के लिए अमेरिका की तरफ का रुख करेंगे। फिलहाल खबर ये है कि संजय दत्त इज सफरिंग विद लंग कैंसर एंड दैट इज विद स्टेज 3। ये बहुत ही दुख की खबर आई है। हम सब प्रार्थना करेंगे, दुआ करेंगे भगवान से कि संजय दत्त बहुत जल्द स्वस्थ होकर वापिस लौटे। और फिलहाल ये खबर बहुत ही दुख देने वाली, हैरान करने वाली है। बताता चलूं कि संजय दत्त की जो माता जी स्वर्गीय नरगिस दत्त थी, उनका भी देहांत कैंसर की वजह से हुआ था। और एक एक अजीब माहौल बन गया है बॉलीवुड में। सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या हो, या इरफान खान साहब का कैंसर की वजह से देहांत हो, या ऋषि कपूर साहब का कैंसर की वजह से देहांत हो, एक गम की लहर पूरे बॉलीवुड में। हम सबकी दुआएं संजू और संजू के परिवार के साथ। फिलहाल संजय दत्त की जो कैंसर की खबर आ रही है वो सच है, और उस सच पे जो मोहर लगाई है वो कोमल लाहटा साहब ने लगाई है। बाकी अपडेट के लिए देखते रहिए बॉलीवुड हेल्पलाइन, और हम आपको बताते रहेंगे कि संजय दत्त की इस कैंसर वाली खबर की आगे की अपडेट क्या है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।